हेलो दोस्तों, अभी हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एक अच्छा प्रॉफिट देने का ताकत रखता हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो ये रहा आपके सामने 80 रुपीज़ का स्टॉक है, जेके टायर। दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही दमदार है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो बेहिचक खरीदो, अगर इसमें आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो बेहिचक प्रॉफिट बुक करो। दोस्तों स्टॉक बहुत ही अच्छा है, अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप खरीद भी लो, क्योंकि ऐसा स्टॉक शायद ही आपको बार बार मिल पाएगा। और हालांकि दोस्तों एक दिन के अंदर यहाँ देखिए स्टॉक जो है 83 तक गया था, मतलब कि 83 का ये हाईएस्ट माना था, उसके बाद ये रिटर्न आया, ठीक है। और 5 डेज में देख लेते हैं तो दोस्तों ये स्टॉक जो है थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा, लेकिन दोस्तों जब स्टॉक नीचे आता है तभी हमें खरीदारी करना चाहिए, वो भी जम के खरीदारी करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को दोस्तों जेके टायर हो क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को बाय करने के लिए, क्योंकि जो जेके टायर है और एमआरएफ टायर है, आपको पता है कि दोस्तों टायर का कितना डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा व्हीकल्स का डिमांड इंक्रीज़ होगा, चाहे वो टाटा मोटर्स के अंडर में हो, आयशा मोटर के अंडर में हो, अशोक लीवलैंड के अंदर में हो, जिसके भी अंदर में, लेकिन दोस्तों टायर कंपलसरी, मतलब कि ये जो कंपनी होती है इसमें ऑटोमेटिक जो है सेल जनरेट हो जाता है। जब ऑटोमेटिक सेल जनरेट होना लगता है तो ऐसे कंपनी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे कंपनी में मतलब अपने आप की तरह एक, अगर आपको कुछ भी बनाना है तो उसमें टायर लगाने होगा। वो भी सोचिए एक व्हीकल्स में 4 टायर, छोटा छोटा वाला में, छोटा में, अगर बड़ा बना रहे हो, बड़ा वाला गाड़ी बना रहे हो जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें आपको 100 टायर्स 200 टायर्स, तो सोचिए जो ये जो टायर की कंपनी दोस्तों उसमें दर्जन दर्जन से बेचा जाता है। अगर आप यहां पर देखो तो ये कुछ मतलब 2-4 रुपए का स्टॉक हुआ करता था, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 2-4 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, 2-4 रुपये का। और आज के डेट में यहाँ पर देख लीजिए 80 रुपये का स्टॉक है, और दोस्तों 80 रुपये का स्टॉक है लेकिन डिविडेंड बोनस बायबैक जो है सब देते ही आ रहा है। और ये देखिए डिविडेंड का मामला में, ये देखिए कंपनी जो है 75 के आसपास दे रही है, ये देखिए आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, जिससे आप एक अच्छा से अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सको। दोस्तों ऐसा स्टॉक बहुत कम ही आपको मिलेगा, और कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो ये डिविडेंड देती ही देती है। ये देखिए आपके सामने मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ और डिविडेंड को भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 2015 में डिविडेंड दिया, 2016 में भी डिविडेंड दिया, इंक्रीज़ किया, ठीक है। डिविडेंड पहले 75 के आसपास था, अब 125 कर दिया, ठीक है, अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ। फिर देख सकते हैं 17 में, 2018 में, 2019 में, जो भी हो रहा थोड़ा प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ तो डिविडेंड इंक्रीज़ किया, लेकिन ऐसा तो नहीं किया कि आपका डिविडेंड ही बंद कर दिया, जो बहुत सारे कंपनी में किया जाता है। और ये शेयर का प्राइस छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोस्तों बहुत ज़्यादा वीक है। ये देखिए ये अपने स्टॉक को स्प्लिट कर चुका है, तो जो अपने स्टॉक को स्प्लिट करता है तो सोचिए कि इसलिए करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर फोकस कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको आसानी से खरीद पाए। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर ये स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है, एक मिनट मैं इधर दिखा देता हूँ। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट जब भी किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो डिविडेंड बोनस देगा, ठीक है। तो 2018 सितंबर 2018 से स्टार्ट करते हैं, 76 था, फिर 34 हुआ, डिक्रीज हुआ, क्योंकि पहले जो मंदी आई थी मार्केट में, जो आई थी मोटर्स इंडस्ट्री में वहाँ, उसके बाद देखिए 34 था, 25 था, फिर 17 था, तो जो भी था, लेकिन अभी जो करंट है दोस्तों उसमें आप देख सकते हो 17 से 197 कितना अच्छा ग्रो किया है। तो ये मैं बोलूंगा, हाँ, कल को अगर मार्केट में मंदी आती है ऑटो सेक्टर में तो इसमें भी मंदी आएगी, लेकिन जब ऑटो सेक्टर को थोड़ा भी एडवांटेज मिलेगा तो टायर सेक्टर उससे ज्यादा, मतलब ये जो ऐसी जो कंपनी रहती है एमआरएफ या जेके टायर जो है, ऐसी कंपनी को मतलब डबल फायदा होता है, इंटू टू होगा। तो समझ लीजिएगा ऐसे कंपनियों को देखिए 17 करोड़ से 197, मतलब ये कुछ है ही नहीं इसके सामने, देख सकते हो। तो ये ऐसा होता है दोस्तों, कंपनी जिसमें टैलेंट तो है और क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी का मतलब तो सोच रहे हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उठा लेते हैं, क्वालिटी होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी को आप जो है आराम से खरीद के रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जो अच्छा से अच्छा आपको प्रॉफिट दे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, और थोड़ा बहुत अपना भी देखिए, मार्केट ओपन होने से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पहुँच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।